वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिश कामयाब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी आसिफ अली ज़रदारी को वोट देने को तैयार हो गई। इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकराती वफ़द की MQM क़यादत से पार्लियामेंट लॉरीज़ में अहम मुलाकात। खालिद महमूद कहते हैं जमहूरियत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। सबसे पहले आसिफ ज़रदारी को सबसे पहले MQM ने तजवीज़ किया था। बिलावल भुट्टो बोले मिलकर कराची के मसाइल हल करेंगे। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर बाद होगा। अरकान की आमद जारी, मखसूस नशस्तों पर 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। अपोजिशन लीडर राणा आफ्ताब अहमद कहते हैं हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, हमारी मखसूस नशस्तें ये किस तरह दूसरी पार्टी को दे सकते हैं, अगर हमारी बात ना सुनी गई तो हम हाउस के अंदर रहकर भी एहतजाज करेंगे। PTI की जानिब से खत लिखने के बावजूद IMF का अपना मिशन पाकिस्तान भेजने का दिया। IMF पाकिस्तान की नई काबीना तश्कील पाने के बाद दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए अपना मिशन भेजने को तैयार। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली वज़ह कहती हैं मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील दर्जी है, मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और दीगर की शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो गए हैं। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद बतौर चीफ जस्टिस 15 मार्च 2025 को ओहदे से रिटायर होंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख्वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फ्रेयर हॉल कराची में खसूसी तकरीब होगी। औरत मार्च में एहतजाजी मेला भी होगा। सखन में ख्वातीन ने मशल बरदार रैली निकाली। समाजी रहनुमा शाइस्ता कोसो का कहना था दुनिया को यह पैगाम देना चाहते हैं कि ख्वातीन किसी से भी कम नहीं है। सिंध में ख्वातीन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको हकूक नहीं दिए जाते।